हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो ये टाइम है 7:30 हो रही है। तो झनकाना जी ने कहा कि आप वीडियो तो बना सकती हैं आंटी, तो इसलिए मैं क्या है अभी उनके कहने से मैंने शुरू किया। उनका जो क्या है कमेंट पड़ा तो फिर मैंने सोचा चलो। तो शिप्रा थोड़ा सा बाजार जा रही, खाना बना दिया है उसने। वीडियो तो मैंने नहीं बनाई लेकिन खाना उसने बना दिया है, और थोड़ा सा आसपास के बाज़ार जाती है। उसका तो अब बहुत यहाँ पर मतलब हाव है खुला हुआ कि स्कूटी में फटाफट चली जाती है, और काफ़ी बाज़ार हमारे यहाँ है तो हर छोटी मोटी चीज़ मिलती है। तो जो बाकी रह गई है उसकी चीज़ें वो लेने गई है और खाना बना के गई है। तो फिर मैंने भी सूट बदला था, आपने कहा जवाई भी आ सकते हैं, तो जवाई जी ने कहा था कि मम्मी को आऊँगा पूछने, लेकिन वो बिजी हो गए कुछ काम में। तो मैंने अभी चुन्नी वुन्नी डाल रखी थी, अभी सूट बदला जैसे तैसे। इसका भी डर लगता है कि निकल ना जाए, तो धीरे धीरे सूट बदला। एमी भौंकती रहती है। सूट बदल के फिर मैं बैठी थी काफ़ी देर से, इतनी देर में शिप्रा ने खाना भी बना लिया, सब कर लिया। तो अब वापस बस थोड़ी देर में जब लगाने वाला आएगा तो उसमें सूट पहन लिया और शुरू कर दिया ब्लॉग। ऐसा काफ़ी ठीक है ड्रिप से मेरी तबीयत। बस आप सभी लोगों की दुआएं हैं, और आप सब लोग ही कह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, पर चिंता तो इतनी चिंता नहीं है, बहुत छोटा काम है शादी का, ऐसा कोई काम नहीं है। लेकिन इन दोनों के जाने की चिंता है, ये दोनों जा रहे हैं मेरे अब यहाँ से, उसकी ज़्यादा चिंता है। तो वो दुख मेरे बैठ गया है दिमाग में कि अथक चला जाएगा और शिप्रा चली जाएगी। हाँ, इनकी चहल पहल बहुत थी 3 साल से, 1.25 साल तो ये मेरे यहाँ रहे, फिर इनका मकान बन गया तो फिर ये वहाँ चले गए, तो वहाँ आना जाना लगा रहता था। और मुझे तो बस माँ हूँ तो बस यही रहता था कि इनका क्या कर दूं, बस ऐसा ही लगता था कि खाना भी बना देती थी, सब कर देती थी। इसके भी थकी हुई आई है, कभी खाना बना देती, कभी कुछ कर देती। भैया भी इसका जो है पूरा मतलब ध्यान रखता था, जब भी हमारे यहाँ नाश्ता आता उसका भी नाश्ता आता, खाना आता बाहर से तो खाना भी आता। अब हम तीनों अकेले मतलब बहुत आई नहीं, पर हम लोग कहीं होटल भी जाते हैं, कई बार राज जी इसको होटल ले जाते हैं, फिर हम भी पीछे से होटल चले जाते हैं। तो हमें क्या है कि बहुत बुरा लगता है कि ये लोग नहीं हैं हमारे साथ, क्योंकि अथक और शिप्रा को ले जाते हैं राज जी कई बार। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, ऐसे खुले रहते हैं हमारे संबंध, रोका होने के बाद जाते हैं। तो कई लोग पूछ रहे थे शादी होगी क्या, अभी शादी नहीं हुई, शादी 12 तारीख की है, बस 2-3 घंटे में शादी हो जाएगी आर्य समाज में, और टाइम आ रहा है बिल्कुल। उस वजह से थोड़ी सी तबीयत तो वैसे भी मेरी ख़राब ही रहती है, लेकिन अभी ज़्यादा हो गई, डायबिटीज़ ज़्यादा हो गई मेरे, तो उससे क्या है कि इन्फेक्शन हो गया, यूरिन इन्फेक्शन हो गया, और उससे मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और मुझे परेशानी होने लगी। तो फिर बेटे ने बोला कि फटाफट ड्रिप चढ़ा के काम निपटाओ ये वाला, मम्मी क्योंकि शादी है बिल्कुल। तो ऐसे कोई यूँ नहीं है, बस इनके जाने का टेंशन है। आप लोग कह रहे थे कि आंटी चिंता मत करो, बहुत कमेंट आ रहे हैं आंटी चिंता मत करो, लेकिन चिंता हो जाती है कि जाने की चिंता है और कुछ नहीं है।
बाकी सब अच्छे हैं। जो इसके घर वाले जो मुझे मिले हैं बहुत अच्छे हैं। उनका भी फोन आया था, शिप्रा की सास का। वो बोले आप टेंशन से बीमार हो, छाया जी आप टेंशन मत करो, मैं इसको बिल्कुल बेटी की तरह रखूंगी, और जैसे मेरी दो बेटियां हैं वैसे ही शिप्रा भी रहेगी मेरी बेटी, और मैं इसका ध्यान रखूंगी बहुत। ये तो मुझे विश्वास है ये तो। लेकिन यूं ही है कि यहाँ से चले जाएंगे ना ये दोनों, वो दुख मुझे खाए जा रहा है। बाकी अच्छी बात है, उसके ज़िंदगी बन रही है। तो अभी बस फ़ोन किए थे अपनी भतीजियों को सबको, मैंने कहा तीन भतीजी, आप लोग पूछ रहे थे ना आपकी कितनी भतीजी हैं, तो इस बार अगर आई तो मैं उनको दिखाऊंगी वीडियो में आपको, हो सका तो। तो मेरे बड़े भाई साहब की तीन बेटी हैं, उनको तीनों को मैंने फ़ोन किए थे। घर घर के लोग भी बस जा रहे हैं, और कोई नहीं, थोड़े लोग ही अलाउ हैं वहाँ पर, इसलिए थोड़े से लोग जो मेरे घर के हैं वो जाएंगे। बाकी अपने देवर को भी मैंने फ़ोन किया था, लेकिन देवरानी ने फ़ोन नहीं उठाया। दो बार मैंने फ़ोन किया था लेकिन उसने फ़ोन उठाया नहीं, तो क्योंकि मास्टर जी के भाई हैं वो, तो मैंने सोचा फ़ोन कर देती हूँ। तो आज 7 तारीख तो हो गई, तो मैं सोचूँ गई बाहर से आने वालों को तो कर दूँ फ़ोन, जिससे वो आ सकें। तो मैंने फ़ोन लगाया था देवरानी को भी, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं फ़ोन और न वापस किया। तो जैसे अपन फ़ोन कर लेते हैं, मिस्ड कॉल देख के वापस करते हैं ना, वो भी नहीं किया उन्होंने। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैंने अपनी तरफ से कर दिया, मास्टर जी की आत्मा को शांति मिल जाए। वो बार बार मुझे सपने में आ रहे थे अपने भाई के साथ, अपने भाई की मैसेज के साथ, यानी मेरी देवरानी के साथ। वो बार बार मेरे सपने में अपने भाई और भाई की मैसेज के साथ मेरे को दिख रहे थे बार बार, 3 दिन से दिख रहे थे। तो मैंने कहा आज तो मैं फ़ोन कर देती हूँ। उनके फ़ोटो के पास जाके मैंने मास्टर जी के पास और उनसे कहा कि मैं फ़ोन कर रही हूँ आपके भाई को, और आप टेंशन ना लें। तो दो बार किया, दो बार उसने उठाया नहीं। कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा होगी तो जो लोग आ सकेंगे आ जाएंगे, जो नहीं आ सकेंगे तभी शिप्रा आएगी, तब आपको दिखाऊंगी, उससे मिलवाऊंगी। तो जो हमारे डिप्ट चढ़ाने आते हैं वो काफ़ी जान पहचान के हैं, कोरोना के टाइम भी आते थे हमारा डिप्ट चढ़ाने, तो उनसे बातें चल रही हैं और वो कई तरह की बातें पूछ रहे हैं, चैनल के बारे में भी, यूट्यूब चैनल के बारे में, इंस्टा के बारे में, सब के बारे में पूछ रहे हैं। तो बता रहे थे हम कि हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, और तो शिप्रा आ चुकी थी, बहुत रात हो गई थी, देर हो गई थी उसको आने में। तो फिर बस इतना ही, मैंने वीडियो ली, खाना खाया, और कल वाली वीडियो मिलाऊंगी शिप्रा से, कल भी अभी आएगी, खाना वाना मेरा बनाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।